37वीं इंदिरा मैराथन में शेर सिंह व ओलंपियन सुधा सिंह विजेता। जी हां, 37वीं इंदिरा मैराथन को इस बार पुरुष व महिला वर्ग में नए चैंपियन मिले। शेर सिंह राणा इंदिरा मैराथन के पुरुष वर्ग के विजेता बने। वह जयपुर सेना के धावक हैं। महिला वर्ग की विजेता ओलंपियन सुधा सिंह के सिर ताज सजा। रायबरेली के रहने वाली सुधा सिंह ने पहली बार इंदिरा मैराथन में प्रतिभाग किया था। पुरुष वर्ग के द्वितीय विजेता महाराष्ट्र के विक्रम बगरिया बने। प्रयागराज के अनिल कुमार सिंह तृतीय स्थान पर रहे। वहीं महिला वर्ग में अश्वनी यादव दूसरे नंबर पर व तीसरे नंबर पर ज्योति शंकर राव रहीं। दोनों महाराष्ट्र की धावक हैं। महिला व पुरुष धावकों के लिए 35वीं इंदिरा मैराथन की कुल दूरी 42.195 किलोमीटर थी। बता दें कि इंदिरा मैराथन दौड़ सुबह 6:30 बजे ऐतिहासिक आनंद भवन से खेल मंत्री गिरीश चंद यादव ने मैराथन का शुभारंभ किया। इसके पूर्व खेल मंत्री युवा खेल निदेशक आरपी सिंह ने इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर 19 नवंबर को आज प्रयागराज में प्रतिवर्ष इंदिरा मैराथन का आयोजन किया जाता है। इस बार भी ये आयोजन किया गया। इंदिरा मैराथन में देश भर के लगभग 1000 महिला व पुरुष धावक भाग लिए। पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूली बच्चों ने दिखाई प्रतिभा का प्रदर्शन, दर्शकों का मन मोह लिया। दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह वर्धन किया। विजेता धावक एवं धाविकाओं को मुख्य अतिथि मंत्री खेल युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के द्वारा विजेता धावक धाविकाओं को प्रथम विजेताओं महिला व पुरुष को 2 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। टारगेट था कि फर्स्ट करूँगी और तैयारी अच्छी चल रही थी। मैं अभी अपने जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री है लालगंज में, मैं वहीं पे तैयारी कर रही थी। मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ और मैं 2.5 महीने से कैंप से आकर मैं वहीं पे तैयारी कर रही थी। आगे आगे अभी हमारा आ रहा है एशियन गेम्स है और अभी रेलवेज का कॉम्पिटिशन है। अभी मुंबई है और बाकी अभी तो हमारा रेलवे का क्रॉस कंट्री है उसके लिए। युवाओं को क्या मैसेज देंगी जीत का? मैं वो लोग भी देखिए अच्छा किए हैं ऐसा, क्योंकि सारे लोग फर्स्ट तो एक ही आता है तो सब अपने पोजीशन में आए हैं और सब अच्छा किए हैं। आदित्य थोड़ा सा वेदर भी बाद में थोड़ा गर्म तो हो ही गया था, लेकिन वो तो सबके लिए बराबर है। लेकिन मैं उनको यही कहूँगी बस आप पूरा करते हैं, बस कभी रेस नहीं छोड़ना है और कंप्लीट करना है। लेकिन वो भी फर्स्ट है। जीत का आज का आपका फिनिश टाइमिंग क्या रहा? सर 251 है, 251। वैसे मेरा टाइमिंग है जो मुंबई में रहता है कोर्स रिकॉर्ड है 234.56। जीत का श्रेय किसे दें? जीत का श्रेय मैं सभी को दूंगी जो यहाँ पे पहले हमारे कोच है, हमारी कोच एंड वार्डन मैडम ये और जितने भी यहाँ पे
कोचेस हैं और जो यहाँ पे मेरे पुराने भी एथलीट हैं और जितने भी यहाँ पे ग्राउंड्समैन जिन्होंने सब लोग मतलब यहाँ पे इतने काम किया ऑफिशियल से लेके, क्योंकि एक श्रेय नहीं जाता है, इन सबका साथ आपका भी श्रेय जाता है क्योंकि आप लोग भी सुबह से आके खड़े हैं। तो मैं सबका श्रेय करती हूँ कि सबकी वजह से और मेरी मेहनत की वजह से मैं फर्स्ट आई। पहली बार आपने भाग लिया कि नहीं? मैं कभी नहीं की हूँ। मैं 2006 में आई थी, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं करने आई थी, मैं अपनी एंट्री भी करा ली थी, लेकिन फिर बाद में मुझे कोच लोग ने बोला नहीं नहीं तुम अभी छोटी हो। फिर मैं यहाँ सुबह 4 बजे भाग गई थी कि नहीं, फिर मुझे कोच लोग डांटेंगे, उस समय कोच थे रुस्तम सर लोग थे, तो मैं चली गई थी। और लेकिन ये था कि हमेशा था कि मैं मुंबई में रहा था, मैं 5 टाइम्स स्पिनर कंटिन्यू वहाँ पे भी हूँ, और मैं हमेशा 240 235। आप कितने बार जीती है मुंबई मैराथन? 5 टाइम। 5 टाइम, हाँ, कोर्स रिकॉर्ड मेरा ही है। लास्ट कब जीती थी? लास्ट अभी 21 में हुआ था। तो मुझे था कि हमेशा मैं बाहर बाहर करती हूँ, इंदिरा मैराथन में ड्रीम था अभी मेरा कि मुझे एक बार करना है छोड़ते छोड़ते, तो आज मैं हमने कहा जब छोड़ने से पहले मैं कर लूँ। आज ये समापन हो रहा है 37वीं। और ये आयोजन जो है रेस की परंपरा चला रहा है और उसी के क्रम में यह आयोजन हुआ है। सवेरे सुबह जो है 6:10 और ये देश का सबसे बड़ा मैदान और हमारे खेल विभाग और जिला प्रशासन सर उत्तर प्रदेश की उसके लिए बहुत बधाई है, शुभकामना है, और हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश खेल का अपन यहाँ से ज़्यादा प्रतिभाएं निकले। खेल के मैदान आपको मैं जानना चाहते हैं तो आपको बता देता हूँ। युवा कल्याण विभाग सर 1980 से ग्रामीण अंचलों में स्टेडियम का 1980 से लेकर 2017 तक कुल बने थे 81 स्टेडियम। योगी जी की सरकार जब बनी 2017 में भारतीय जनता पार्टी 2017 से 22 तक कुल बना 41 स्टेडियम खेलो इंडिया खेलों के तहत और माने, जबकि इसी पीरियड में 2 साल में। तो आप इतने से ही अंतर समझ सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी सरकार क्या चाहती है। हमारी सरकार क्या है गाँव में खेल बने, तो इसीलिए हम लोग ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के समन्वय से जहाँ ग्रामों में खेल के मैदान सुरक्षित हैं वहाँ खेल के मैदान।